दोस्तों, फिर हम बात करेंगे नेबलियो कॉइन NEBL कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में। कैंटली कॉइन 2.1 यूएसडी से ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट, एक अच्छा क्विक पंप इसके प्राइस में कैंटली देखने को मिला है और कल से अभी तक ऑलमोस्ट इसके प्राइस में 200% से ज़्यादा का क्विक पंप देखने को मिला है। 1.3 यूएसडी वाले एरिया से इसने 3.9 वाला एरिया ट्राई किया और करेंटली 2.1 पर ट्रेड कर रहा है। आपने अगर इस कॉइन को बाई किया है तो करंटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। ये ब्रेकआउट जो हुआ है, इसका रीजन क्या निकल के आ रहा है, क्या न्यूज़ है जिस वजह से इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे, ये कॉइन कहाँ तक जा सकता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के परस्पेक्टिव से आप किन एरियाज़ पर नज़रें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है और अभी करेंट में मार्केट में आए हैं, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की ताकि वहाँ उनको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटेजी उनको मिल पाए और मार्केट में वो लंबे समय तक स्टे कर पाए और वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बना पाए। उनके लिए चेयर टैक्सेस और बहुत सारे बेनिफिट्स वहाँ पर मिलेंगे। तो जो इंटरेस्टेड है वो इंस्टा पर DM कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन में, कुछ डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में है। करेंटली 2.1 यूएसडी से ऊपर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है। यहाँ पर सुबह के टाइम में इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था जो कि 1.6 से 3.9 यानी सिंगल कैंडल में ऑलमोस्ट इसने 100% का पंप देखने को मिला था। इसका जो रीजन है, इसका पार्टनरशिप ब्रांड है सोनम, SONM, SONAM नहीं, SONM डेवलपमेंट जो है उसकी पार्टनरशिप हुई थी इनकी आपस में, नेबलियो और सोनम की, और उस कॉइन के अंदर आज यहाँ पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। ऑलमोस्ट उसकी प्राइस में 65x का मूवमेंट देखने को मिला, यानी कि 20 सेंट पर वो कॉइन ट्रेड कर रहा था और अभी 10 यूएसडी से ऊपर ट्रेड कर रहा, 13 वाला हाल टाइम हाई उसने बनाया है। उसका जो 24 आवर का वॉल्यूम है उसमें एक गजब का पंप देखने को मिला। 24 आवर का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो, जब मैंने उसका डाटा देखा था तब 21,000 का मूव देखने को मिला। इस वजह से इनका जो पार्टनरशिप ब्रांड है, इनकी पार्टनरशिप हुई थी और इसी वजह से ये जो मूवमेंट है इस कॉइन के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कोई अदर रीजन नहीं है। अगर इसकी बात करें तो ये एक ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है एंटरप्राइजेस और इंडस्ट्रीज के लिए और 4.0 एप्लीकेशन और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। और अभी करेंटली अगर बात करें तो जो बिनांस का फुटबॉल फीवर 2022 है उसके साथ भी पार्टनरशिप हुई है इसकी, और उसके अंदर जो प्राइस पूल है उसमें ये टोकन भी प्रोवाइड किया जाएगा बिनांस फैन टोकन के साथ, इनकी पार्टनरशिप हुई है। तो ये मिला जुला जो रीज़न है ये निकल के आ रहा है, लेकिन जो अभी करेंट जो रीज़न है वो है कि SNM जो कॉइन है उसमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है और इसी वजह से इस कॉइन में भी ये पंप है। तो यहाँ पर मूवमेंट था, फिर वो कॉइन स्टेबल था और अभी करेंटली उस कॉइन ने, मतलब पहले उसने 4.7 वाला हाई बनाया था, यहाँ पर इसमें जब 3.9 वाला ब्रेकआउट हुआ था, और अभी अभी अगर आप देखेंगे उसकी ट्रेंड लाइन वगैरह, उसका जो प्राइस है वो, तो उसने 13 यूएसडी वाला हाई यहाँ पर अभी बनाया है और 10 यूएसडी पर ट्रेड कर रहा है। तो इसमें भी मूवमेंट हो सकता है और ये कॉइन भी 3 यूएसडी या 4 को वापस ट्राई करेगा। लेकिन अगर ट्राई करता है तो आपको, जिन लोगों ने ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से इस कॉइन में एंट्री ली है, वो 2.2-2.3 अभी करंट वाले एरिया पर सेल आउट करेंगे अपना 70% 75% पार्ट, और बाकी जो पार्ट है अगर उसका जो सेकंड ब्रेकआउट हुआ है SNM कॉइन का, उसका इम्पैक्ट इसमें वापस से देखने को मिलता है तो ये कॉइन 3 यूएसडी से ऊपर भी जा सकता है। तो जाता है तो 3 यूएसडी से ऊपर आपको, मतलब आप आज के दिन में अगर इसमें नज़रें बनाए रख सकते हैं, अगर चार्ट को आज दिन भर फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि वो ब्रेकआउट आप ग्रिप कर पाएं। नहीं भी करना है, नहीं भी वॉच करना है तो आप सेल लिमिट लगा दीजिए 3 यूएसडी से ऊपर की, अपना जो 30% या 25% पार्ट है उसके लिए, तो हो सकता है कि उस एरिया को ये हिट कर जाए। बाकी जो 70% पार्ट है उसको तो आपको 2.2-2.3 के अराउंड में, यानी कि करेंट ऑलमोस्ट करेंट प्राइस के अराउंड में सेल आउट करना है। और लॉन्ग टर्म में भी आप इस कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि बिनांस के साथ जो पार्टनरशिप हुई है,
हो सकता आने वाले दिनों में इसकी जो ये लेवरेज के अंदर भी ये कॉइन नहीं है लिस्टेड, तो आने वाले दिनों में लेवरेज पे भी ये कॉइन लिस्ट होगा और 20x या 50x के अंदर भी हो सकता है, और 20x से ऊपर अगर ये लिस्ट होता बिनास पर लेवरेज ट्रेडिंग के लिए तो उसमें भी पंप देखने को मिलेगा। और आने वाले दिनों में बिनास पर के साथ और भी पार्टनरशिप हो सकती है, तो आप लॉन्ग टर्म में भी इस कॉइन को होल्ड कर सकते हैं अच्छे लेवल पर अगर आपने बाई किया है तो, यानी कि 1 USDT या फिर 1.2 पर। सपोर्ट एरिया इसको 1.2 USDT था जहाँ से इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला, और अभी करेंट अगर सपोर्ट एरिया की बात करें तो डेली क्लोजिंग जो है इसकी 1.6 से ऊपर हुई है, यहाँ पर इसको 1.45 डेली के बेसिस पर सपोर्ट है, और अगर आज की क्लोजिंग 2.15 से ऊपर होती है तो 2.15 इसको सपोर्ट देखने को मिलेगा, और 1.8 से ऊपर होती है तो 1.8 इसको सपोर्ट देखने को मिलेगा। दूसरा जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर हैं, हाँ दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर बाई नहीं करना है, अभी जो नई एंट्री देख रहा है वो एंट्री नहीं लेना है क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है आपके लिए। और जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर जो इस टाइप की गलतियाँ कर देते हैं, कहीं पर भी बाई कर लेते हैं, किसी भी कॉइन में एंट्री ले लेते हैं और फिर वो ट्रैप हो जाते हैं, उनका पोर्टफोलियो डाउन हो जाता है, ओवर ट्रेड करने लगते हैं, फिर दूसरे कॉइन में बाई करते हैं या फिर उसी कॉइन को वहाँ पर एवरेज करते हैं, ये बहुत सारे जो डिसीजन हैं गलत डिसीजन लेते हैं, उनको वो क्रिप्टो में पैसा लूज़ कर देते हैं, और हो सकता है बहुत सारे लूज कर चुके हैं और इंडस्ट्री ही उन्होंने छोड़ दी है या फिर कुछ वेट भी कर रहे रिकवरी का। तो इस टाइप की गलती अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर वहाँ पर चीज़ें सीखें, हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करके वहाँ पर प्रॉपर स्ट्रेटेजी सीखें, गाइडेंस आपको वहाँ पर मिलेगा, चैट एक्सेस मिलेगा, क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है वो सॉल्व की जाएगी, सिग्नल्स वहाँ पर शेयर किए जाएंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स है प्रीमियम के अंदर। तो यहाँ पर मैं पर्सनली आपको इतनी चीज़ें नहीं सिखा सकता, इसलिए वो चीज़ें स्टार्ट किया जो नए हैं उनके लिए खास तौर पर, ताकि वो अपना पैसा लूज़ नहीं करें। तो जो इंटरेस्टेड है वो इंस्टा पर DM कर सकते हैं, इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप के वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट की लिंक है, उनको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।